नमस्कार, शिमला से मैं हूं जय स्नेही। हिमाचल टॉप न्यूज के इवनिंग टॉप बुलेटिन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की टॉप खबरें। भाजपा विधायक दल की एक बैठक का आयोजन 22 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में किया जाएगा। होटल पीटर ऑफ में यह बैठक शाम 7 बजे आयोजित होगी। फिलहाल रूटीन चेकअप के लिए एम्स अस्पताल दिल्ली में भर्ती है सीएम जयराम ठाकुर। अगली खबर पंजाब के चुनावों को देखते हुए है। पंजाब में चुनावों को देखते हुए सीमाओं की टोह लेने जिला चंबा पहुंची डीआईजी नॉर्थ जोन सुमेधा द्विवेदी। चंबा जिला तथा पंजाब के पुलिस अधिकारियों से की बैठक। पंजाब तथा सरहद पर बनाई गई अस्थाई चौकी कटोरी बंगला का भी किया निरीक्षण। द्विवेदी ने इस मौके पर पुलिस जवानों की समस्याओं को भी सुना। अधिकारी को पुलिस टुकड़ी ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चंबा जिला के पुलिस थाना चुवाड़ी के तहत तुन्नू हट्टी के डंगोह में 70 ग्राम चरस समेत कांगड़ा का युवक गिरफ्तार किया गया। पुलिस को देख युवक ने फेंक दिया बैग, तो जांच में मिली चरस। चुवाड़ी थाना में मामला दर्ज है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के फ्री प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षा में पढ़ने वाले करीब 51,000 बच्चों को दी जाएगी मिड डे मील। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक 130 करोड़ का वार्षिक बजट प्लान केंद्र सरकार को भेजने को दी मंजूरी। मंडी जिला के BSL पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत आने वाले पुराना बाजार क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियां रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। मामले में निजी स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायत के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। आपको बता दें कि दोनों छात्राएं छत्तीसगढ़ से है। अगली खबर, जनजातीय क्षेत्र पौंगी के आंगनवाड़ी केंद्र फिंटपार का कारनामा। आपको बता दें कि एक्सपायरी डेट के खाद्य उत्पाद गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को किए आवंटित। प्रशासन बोला मामले की होगी जांच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी हिमाचल टॉप न्यूज के मॉर्निंग टॉप बुलेटिन में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। देखते व पढ़ते रहिए हिमाचल टॉप न्यूज.com।